आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 सिक्सटी एंड वन जीरो थ्री ऑफ द ऑफेंस ऑफ जना एन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस नाइनटीन जो रिस्पोंडेंट है इसको सजा हुई थी इन दफात की जो मैंने आपको बताई हैं इसमें एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन छः भी लगाया गया था ही सॉट द ग्रांट ऑफ द रिमिशन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ विच वॉज पॉजिटिवली कंसिडर बाय द हाई कोर्ट उसने कानून के मुताबिक जो सजा में तकफीफ होती है कमी होती है रमिशन होती हैं वो मांगी थी हाई कोर्ट ने उसको पॉजिटिवली कंसिडर किया अब सवाल ये पैदा होता है कि वेदर द रिस्पोंडेंट कन्विक्ट एंड सेंटेंस अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट नाइनटीन नाइनटी सेवन एटी एंड दफेंस ऑफ जना एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डीनेंस नाइनटीन सेवनटी नाइन ऑर्डीनेंस इज़ एंटाइटल रिमिशन इन हिज सेंटेंस अंडर द लॉ ना ऑफ और अदरवाइज कि क्या जिस बंदे को सेवन एटी ए के तहत नाइनटीन नाइनटी सेवन एटी ए के तहत सजा हुई हो या जना के जुर्म में सजा हो उसको रिमिशन मिल सकती है या नहीं एज फार एज द ए टी एज कंसर्न सेक्शन ट्वेंटी वन एफ ऑफ ए टी ए बार दर्ड ऑफ एनी रिमिशन इन देंटेंस ऑफ ए पर्सन कन्विक्टेड अंडर दैट क्टमेंट जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसका सेक्शन 21 एफ कहता है कि जिस बंदे को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सजा हुई हो उसको जो रूटीन में कानून के तहत रमिशंस मिलती हैं सजा में तकफीफ होती है माफी होती है वो नहीं मिलेगी दफेंस ऑफ जना एन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डीनेस नाइनटीन सेवेंटी नाइन अदर हैंड प्रोवाइड नो सच बार ऑन द्रांट ऑफ रिमिशन इन देंटेंस ऑफ ए पर्सन कन्विक्टड फॉर एनी ऑफेंस देर अंडर लेकिन जो जना का इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस नाइनटीन सेवेंटी नाइन है उसके तहत रिमिशन मिलने के हवाले से कोई बार नहीं है रिमिशन मिल सकती है द रिमिशन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल फोर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू कन्विक्स सर्विंग सेंटेंस अंडर सेक्शन टेन ऑफ द आर्डीनेंस हाएवर ही इज़ एन टाइटल ग्रांटेड अंडर द रेलिट प्रोविजन प्रिजन रूल्स बट आफ्टर सर्विंग हि सन्टेंस फॉर दन्विक्शन अंडर दी ए जब उसको वो सजा जो एंटी टेर्रिज़म के तहत मिल गई है उस सज़ा के बाद जो अदूद ऑर्डिनेंस के तहत ना की सज़ा होगी उसमें उसको रोमिशन मिल जाएगी ATA bar grant of remission to persons convicted under any provision of said law. ATA mein nahi remission. Similarly, the convict cannot be extended benefit of remission granted under Article 45 of the Constitution. However, he is entitled to remission granted under prison rules and that too after serving his sentence for conviction under... पहले सेवन जो एटी ए की सज़ा एंटी की मिली है वो पूरी करने के बाद जो सजा बचेगी उसमें उसको रिमिशन मिलेगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़